अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे पता करें कि हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब है या नहीं है? वैसे तो कुर्बानी कोई भी शख्स कर सकता है, जिसके ऊपर वाजिब हो उसको तो करना ही होती है कुर्बानी, लेकिन अगर कोई गरीब आदमी भी कुर्बानी करना चाहे तो वो भी कर सकता है। लेकिन हमें तो ये पता करना है कि कुर्बानी क्या हमारे ऊपर वाजिब है, क्योंकि कुर्बानी जिसके ऊपर वाजिब होती है उसको कुर्बानी हर हाल में करना ज़रूरी है। मान लीजिए घर में 5 लोग हैं, 5 भाई हैं, ठीक है, और इन 5 भाइयों में से 3 पर कुर्बानी वाजिब हो रही है, तो 3 को तो हर हाल में अपनी अपनी कुर्बानी अलग करना है। ऐसे नहीं हो सकता कि ये 3 भाई मिलकर एक बकरा ले आएं और कुर्बानी कर लें, तो कुर्बानी किसी की भी ठीक नहीं होगी। जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है उसको अपनी कुर्बानी अदा करनी होती है। बकरा अगर आप ज़िबाह कर रहे हैं कुर्बानी में, तो एक बकरा एक आदमी की तरफ से होता है, छोटा जानवर एक आदमी की तरफ से एक ही होगा, उसमें 2 या 3 लोग शरीक नहीं हो सकते। हाँ, बड़ा जानवर है जैसे कि भैंस है तो उसमें 7 लोग शरीक हो सकते हैं, ठीक, लेकिन एक आदमी का एक ही हिस्सा होगा, 2 लोग एक हिस्सा मिलकर नहीं ले सकते। अब हमें पता करना है कि क्या हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब है या नहीं है, तो कैसे पता करेंगे? लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, 5 चीज़ें हैं जो आपको काउंट करनी है, ठीक है, ये 5 चीज़ें हों तो 5 को काउंट करना है, इन 5 में से 3 हों तो 3 को काउंट करना है, जितनी चीज़ें इन 5ों में से आपके पास हों वो सारी चीज़ें आपको काउंट करनी है। अब देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कुर्बानी साहिब निसाब के ऊपर वाजिब होती है। अब साहिब निसाब अगर मर्द होगा तो मर्द के ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी, औरत होगी तो औरत के ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी, ठीक। अगर आप सफ़र पर हैं तो मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब तो नहीं है, ठीक, लेकिन अगर आप अपने घर पे कॉल करके बोल दें कि भाई मेरी तरफ से कुर्बानी करवा देना, तो बहरहाल कुर्बानी आपकी भी अदा हो जाएगी। और कुर्बानी के जो 3 दिन होते हैं, एक ईद वाला दिन, एक बासी वाला दिन और एक तिवासी, जिसको हम तिवासी बोलते हैं ना, तो 1st, 2nd, 3rd कुर्बानी करने के जो 3 दिन होते हैं, इन 3 दिनों में अगर आप साहिब निसाब हो जाते हो तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी, आपको कुर्बानी करना पड़ेगी। और आप पहले से अगर हिसाब लगा लो और पहले ही जानवर वगैरह ख़रीद के रख लो तो बहुत अच्छी बात है। तो अब जानते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम पर कुर्बानी वाजिब है कि नहीं है, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए कि कुर्बानी साहिब निसाब पर वाजिब होती है। अब हम साहिब निसाब हैं या नहीं है तो कैसे पता करें? तो देखिए, सबसे पहले आप एक कागज़ पेन ले लीजिएगा। आपके पास नंबर 1, अगर सोना है, जितना सोना आपके पास है वो सोना आप डायरी पर लिख लीजिए, कागज़ पर लिख लीजिए, जितना भी सोना हो, ठीक। फिर आप देखिए, चांदी है आपके पास, अगर चांदी है तो चांदी को भी आप लिख लीजिए, आपके पास इतनी चांदी है। फिर आपके पास कैश कितना है, यानी रुपया पैसा कितना है, चाहे वो आपकी अलमारी में हो, चाहे बैंक में हो या किसी और के पास हो, टोटल मिला के ये है कि आपके पास आपका कितना है, चाहे वो कहीं पे भी रखा हो, तो आपके पास रुपया पैसा कितना है वो भी आप लिख लीजिए। अगर आप कोई चीज़ का बिज़नेस करते हैं, आपको कोई बिज़नेस है, कोई काम है, तो आप जिस चीज़ का बिज़नेस करते हैं वो सामान कितना है वो काउंट कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। और 4 चीज़ें हो गई, सोना, चांदी, कैश चाहे जहाँ हो, ठीक है। 3, चौथा बिज़नेस का सामान। मान लीजिए आपकी कपड़े की दुकान है तो आपकी शॉप में जितना भी कपड़ा रखा हुआ है वो आप देख लीजिए कितना है, ठीक। 5वीं चीज़ है ज़रूरत से ज़्यादा सामान। ज़रूरत से ज़्यादा सामान यानी वो सामान जो पूरे साल कभी भी इस्तेमाल में नहीं आता, बस घर में यूं ही आपने लेके डाल दिया था शौक में, बस पड़ा हुआ है, वो इस्तेमाल में नहीं आता, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, यानी पूरे साल उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं होता है, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा सामान कहलाता है। तो 5वीं चीज़ वो चीज़ जो ज़रूरत से ज़्यादा है वो भी काउंट की जाएगी। अब इन 5 चीज़ों को, 5 है तो 5 को, 4 है तो 4 को, 3 है तो 3 को, आप काउंट कीजिए, टोटल कीजिए इनका, कि ये टोटल कितनी बैठ रही हैं। मान लीजिए इन 5 चीज़ों को आपने टोटल लगाया जो आपके पास हैं, तो टोटल बैठ रहा है 1 लाख, ठीक।
ठीक है। अब इन पांच चीजों को टोटल निकल कर आया 1,00,000, और साहिब निसाब वो शख्स कहलाता है जिसके पास इतना रुपया, पैसा, सोना, चांदी या बिजनेस का सामान या ज़रूरत से ज़्यादा सामान, यानी ये पांच चीज़ जो मैंने जोड़ाई है ना, ये पांच चीज़ें अगर किसी के पास इतनी हैं कि जिनका टोटल इतना बैठ रहा है कि जिससे 52.5 तोला चांदी मार्केट में आ जाती है। आप जिस इलाके में भी रहते हो, आप ये देखो कि आपके इलाके में 52.5 तोला चांदी कितने रुपए की आ रही है। तो 52.5 तोला चांदी जितने रुपए की आ रही है आपके इलाके में, आपके शहर में, आपके मुल्क में, अगर इतना टोटल अमाउंट आपके पास है इन पांच चीज़ों को जोड़कर, तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो गई। अब आपको कुर्बानी करनी है। मर्द हैं तो मर्दों के ऊपर, औरत हैं आप तो औरतों के ऊपर भी है कुर्बानी, ठीक है। तो ऐसे आप पता करोगे, यानी ये पांच चीज़ें आप काउंट करो, और ये पांच चीज़ें काउंट करो आप जोड़ो। पांच चीज़ें जब आपने जोड़ी, या पांच नहीं है, तीन है, दो है, या एक है बस, मान लीजिए आपके पास सिर्फ कैश है और कैश आपके पास है 60,000 रुपये, तो आप ये देखो आपके इलाके में 52.5 तोला चांदी कितने रुपए की आ रही है, कितने रुपए तोला चांदी का आपके इलाके में चल रहा है। 52.5 तोला चांदी जितने रुपए की आपके इलाके में आती है, अगर इतना अमाउंट आपके पास है, चाहे वो गोल्ड की शक्ल में हो, चाहे चांदी की शक्ल में हो, चाहे कैश की शक्ल में हो, चाहे बिजनेस आपका है उसकी शक्ल में हो, यानी ये पांच चीज़ों में अगर आपका अमाउंट इतना बन रहा है जितने रुपए में 52.5 तोला चांदी आ जाती है, तो आप कहलाओगे साहिब निसाब, और साहिब निसाब के ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है। अब पांच भाई हैं एक घर में और अब्बा के साथ मिलकर काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अब्बा के ऊपर सिर्फ कुर्बानी वाजिब होगी। अगर ये पांचों लोग साहिब निसाब है तो पांचों के ऊपर अलग अलग कुर्बानी वाजिब होगी। बात समझ आ रही है? अब आपको ऐसे ही चेक करना है, अगर आप साहिब निसाब हो तो कुर्बानी वाजिब हो गई आपके ऊपर। अब आप एक हिस्सा भी ले सकते हो, 3,500-4,000 रुपये का हिस्सा, ठीक। आप चाहो तो पूरा एक सिंगल जानवर भी ज़िबा कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप, कोई कन्फ्यूज़न आपको बाकी नहीं रहेगी कि मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब है नहीं, मैं कैसे पता करूं। मेरे ख्याल में इंशाल्लाह अब हर मुसलमान ये चेक कर सकता है कि उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है कि नहीं है। इस क्लिप को शेयर करें, घर पर सबको दिखाएँ, ताकि सबको ये ज़रूरी मसला कुर्बानी का मालूम हो सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।